रक्षाबंधन के पावन पर्व के अवसर पर एक ओर जहां देशवासी अपने अपने घर और परिवार के साथ रक्षाबंधन के पर्व को मना रहा है, वहीं दूसरी ओर ब्राह्मण समाज के अंतर्राष्ट्रीय स्तर के संगठन अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने नवजीवन संस्थान द्वारा संचालित लवकुश शिशुगृह के बच्चों के साथ बड़े ही हर्षोल्लास के साथ रक्षाबंधन का पर्व मनाया। अंतर्राष्ट्रीय ब्राह्मण फेडरेशन जोधपुर संभाग की महिला अध्यक्ष डॉक्टर स्वाति शर्मा के नेतृत्व में उनकी टीम द्वारा रक्षाबंधन के पर्व पर सामाजिक सरोकार निभाने के उद्देश्य से द्वारा नवजीवन संस्थान द्वारा संचालित लवकुश शिशु गृह में आयोजित सामूहिक रक्षाबंधन का पर्व बच्चों के साथ बड़े ही उत्साह और उमंग के साथ मनाया गया। पूर्व महापौर घनश्याम ओझा के मुख्य आतिथ्य में आयोजित इस कार्यक्रम की अध्यक्षता आईडीएफ के प्रदेश अध्यक्ष हस्तिमल सारस्वत ने की, जबकि नवजीवन संस्थान के प्रभारी राजेंद्र सिंह परिहार विशेष रूप से मौजूद रहे। भाई बहन के प्यार का प्रतीक रक्षाबंधन का त्योहार आज देश भर में बड़े ही हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। लेकिन आपको ये जानकर हैरानी जरूर होगी कि एक समाज ऐसा भी है जो रक्षाबंधन का ये त्योहार पिछले 733 साल से नहीं मना रहा है। इतिहासकारों के अनुसार पाली मारवाड़ में पालीवाल 6वीं सदी से रह रहे थे, जो काफी समृद्ध थे। पाली की समृद्धि को देखकर सन 1291-92 जलालुद्दीन खिलजी, जो फिरोजशाह द्वितीय के नाम से शासक बना था, उसने आक्रमण किया और श्रावणी पूर्णिमा रक्षाबंधन के दिन हजारों पालीवाल ब्राह्मणों ने युद्ध किया और बलिदान दिया। युद्ध में बलिदान देने वाले ब्राह्मणों की 9 मण जनेऊ व विधवा माताओं का 84 मण चूड़ा उतरा। उसे अपवित्र होने से बचाने के लिए पालीवाल ब्राह्मणों ने धौला चौतरा पर एक कुएं में जनेऊ व चूड़े डालकर उसे बंद कर दिया था। उस समय जो पालीवाल ब्राह्मण बचे, उन्होंने धर्म की रक्षा स्वाभिमान के लिए पाली को छोड़ दिया था। पालीवाल ब्राह्मण जो विक्रम संवत 1348 सन 1291-92 में पाली छोड़कर चले गए, उनको लोगों ने भूला दिया, लेकिन वे अपने पूर्वजों का आज भी रक्षाबंधन पर पाली में तर्पण करते हैं। इस दिन पूर्वजों के बलिदान देने के कारण 733 साल बाद भी रक्षाबंधन पर्व नहीं मनाते हैं। मेहरुबाग तीरथ में धर्म सभा को संबोधित करते हुए आचार्य तत्वदर्शन सुरेश्वर ने कहा कि परोपकार में ही धर्म है। अपने सुख को बोन करे उसी का नाम परोपकार है, अपना सब कुछ बोन कर दे उसी का नाम परमार्थ है। उन्होंने जीव दया के स्तर को व्यापक बनाने की प्रेरणा देते हुए कहा कि जीव दया में भी धर्म निहित है, अपने हृदय में इसके प्रति उत्कृष्ट भाव रखो, भाव में छेद एवं भेद मत करो। तीरथ के प्रवक्ता दिलीप जैन एवं सचिव जगदीश गांधी ने बताया कि दिव्य तपस्वी आचार्य हसरत्न सुरेश्वर की पावन निश्रा में आचार्य तत्वदर्शन सुरेश्वर का विशेष प्रवचन रेन बेलेंस 18 अगस्त को दिग्विजय नगर में होगा। श्रावण मास के उपलक्ष्य में खारगा रणधीर रोड आदित्य द्वारिकाधीश कॉलोनी स्थित श्री आदित्येश्वर महादेव मंदिर में यूपीएल परिवार की ओर से शुक्रवार को सावन महोत्सव का आयोजन हुआ। कार्यक्रम संयोजक योगिता शर्मा व यूपीएल परिवार के पृथ्वीराज सिंह चौहान ने बताया कि महोत्सव के दौरान गायिका मंजू गागा एंड पार्टी द्वारा सावन से ओतप्रोत झूला झूले रे सांवरियो आ गई सावन की रमझोल आदि भक्ति गीतों की संगीतमय व मनमोहक प्रस्तुति पर लहरिया पोशाक में सजी धजी महिलाएं रिमझिम बारिश की बौछारों के बीच झूमती हुई सावन की मस्ती में सराबोर नजर आई। मामेश्वर महादेव मंदिर केरली धाम लूनावास खारा रोड झमवर में आयोजित श्रीमद् भागवत कथा के सातवें दिन कथा व्यास संत सियाराम ने कहा कि मनुष्य को धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। जो लोग अब भगवान के भजन नहीं करते हैं, उनको बुढ़ापे में जाकर कभी भगवान की प्राप्ति नहीं होगी। भगवान का इस पृथ्वी पर आने का केवल एकमात्र उद्देश्य है धर्म की रक्षा। भगवान धरती पर केवल धर्म की रक्षा करने के लिए आते हैं। ऐसा कहते हैं, जब किसी साधु का वध होता है, इसका मतलब है कि संस्कृति का वध होता है। मानव की जड़ होती है धर्म, इसलिए मनुष्य को धर्म के बताए हुए मार्ग पर चलना चाहिए। सत्संग से मनुष्य को सत्य और असत्य का बोध होता है। जैसे मनुष्य के लिए जीवन जरूरी है, वैसे ही उस जीवन के लिए सत्संग का होना बहुत जरूरी है। भागवत सुनने से मनुष्य को मनचाहा फल प्राप्त होता है, लेकिन मनुष्य को कथा पूरे 7 दिन तक सुननी पड़ेगी। श्रीमद् भागवत कथा सुनने से मनुष्य को मोक्ष की प्राप्ति होती है। ये थे आज के मुख्य समाचार। विस्तार से जानने के लिए पढ़ते रहिए दैनिक नवज्योति। दैनिक नवज्योति के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और ताज़ा अपडेट के लिए बेल आइकॉन दबाएं।